मुंबई में एक बार फिर सामने आया बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन। बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के घर पर कार्रवाई। मुंबई के अलग अलग ठिकानों में एनसीबी की छापेमारी। एक पेडलर गिरफ्तार हुआ, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। इंदौर में कंप्यूटर बाबा समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गोमटगिरी स्थित आश्रम पर गौशाला की जमीन कब्जाने का आरोप। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। कंप्यूटर बाबा पर बदले की कार्रवाई हुई। दिग्विजय सिंह ने कहा, बाबा के आश्रम पर बदले की कार्रवाई के पहले नोटिस नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। गश्ती दल के ललकारने पर आतंकी भाग खड़े हुए। कोर कमांडर स्तर की वार्ता में सभी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने पर भारत और चीन सहमत। LAC पर तैनात सैनिकों के बीच किसी भी संभावित गलतफहमी को दूर किया जाएगा। रॉ चीफ से मुलाकात के बाद मुश्किल में नेपाल की ओली सरकार। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने खत लेकर जवाब मांगा, 48 घंटे की मोहलत। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, एक सुरक्षा बल शहीद। बाइडेन ने जीतते ही भारतवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। 5 लाख से अधिक भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन। पहले संबोधन में कहा कि मैं देश को तोड़ने नहीं जोड़ने वाला राष्ट्रपति बनूंगा। जीत के बाद अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का जोरदार स्वागत हुआ। कहा, हम पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। 77 साल के बाइडेन दौड़ते हुए मंच पर पहुंचे। जो बाइडेन ने कहा कि मुझे अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले, 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले। बाइडेन ने कहा कि मैं सभी अमेरिकी लोगों का राष्ट्रपति हूं, रेड ब्लू नहीं बल्कि संयुक्त राज्य बनाएंगे। बाइडेन ने कमला हैरिस की भी तारीफ की, कहा कि अब प्रवासियों की पहली बेटी यहां तक पहुंची है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद कमला हैरिस ने संबोधन में कहा कि आज अमेरिकी लोकतंत्र की जीत हुई। कमला हैरिस ने कहा कि महिलाओं ने सुरक्षा के लिए वोट दिया है। बोली, मैं पहली महिला उपराष्ट्रपति हूं लेकिन आखिरी नहीं। अपने पहले भाषण में मां को याद कर भावुक हुई कमला हैरिस। कहा, मेरी मां भारत से अमेरिका आई। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने 290 इलेक्टोरल वोट से ये चुनाव जीता है। डोनाल्ड ट्रंप को 214 वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में हार से हताश डोनाल्ड ट्रंप, गोल्फ खेलकर समय बिताया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। उद्योगपति बिल गेट्स ने भी दोनों को बधाइयां दी। जो बाइडेन की जीत पर जश्न में डूबे उनके समर्थक। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सड़क पर जश्न मनाने के लिए उतरे हजारों लोग। वॉशिंगटन में भी बाइडेन के समर्थक झूम उठे। व्हाइट हाउस के चारों तरफ जश्न के लिए हजारों की संख्या में बाइडेन समर्थक जुटे। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग को बाइडेन की जीत की बधाई देते हुए देखा गया। कहा, बाइडेन हमारे गठबंधन के बड़े सपोर्टर। पीएम मोदी ने अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई देते हुए कहा कि हम दोनों साथ मिलकर भारत और अमेरिका के रिश्ते को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। जो बाइडेन और पीएम मोदी का पुराना वीडियो सामने आया है। साल 2014 में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति रहे जो बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए लंच रखा था। कमला हैरिस की जीत के बाद भारत में भी जश्न। तमिलनाडु में उनके गांव में लोगों ने पटाखे जलाकर बधाइयां दी। बिहार में सरकार बनाने को लेकर महागठबंधन का बड़ा दावा, बंपर मोहम्मद के साथ सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल सही साबित हुए तो तेजस्वी यादव 31 की उम्र में सबसे युवा सीएम होंगे। बिहार के एग्जिट पोल पर JDU ने कहा है कि बिहार की जनता ने NDA के पक्ष में मतदान किया है, बिहार में NDA की ही सरकार बनेगी। दिल्ली में RBI दफ्तर के बाहर NSUI कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। गुजरात को पीएम मोदी की एक और सौगात, सूरत से भावनगर के बीच फेरी सेवा की शुरुआत। फेरी सेवा के जरिए लोग समुद्र मार्ग का इस्तेमाल कर पाएंगे। घोघा हजीरा के बीच की दूरी महज 90 किलोमीटर की रह जाएगी। 99 साल के हुए BJP के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर जाकर बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह मौजूद। दिल्ली हिंसा में प्रदूषण का स्तर और खतरनाक होता जा रहा है। 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स, नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पास। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,674 नए मामले सामने आए हैं। 559 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85 लाख के पार पहुंच चुका है। 1,26,000 से ज्यादा मौतें हुई। दिल्ली में कोरोना के करीब 7,000 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 79 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,959 नए मरीज मिले, 150 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,63,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना ने सिर्फ मुंबई में अब तक 10,422 लोगों को जान गंवा ली। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 1,841 नए मरीज सामने आए हैं, 13 की जान गई है। जर्मनी के लिप्जिंग में सड़कों पर उतर प्रदर्शनकारी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए उसका विरोध कर रहे हैं। COVID-19 की रोकथाम के लिए सीएम योगी सख्त। सभी जिला अधिकारियों और जिला चिकित्सा अधिकारियों को रोजाना सुबह शाम बैठक का आदेश। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, मौके पर मौत हुई। पशुपालन घोटाले का मोस्ट वॉन्टेड, नमक खरीद घोटाले का मुख्य अभियुक्त।
सुनील गुर्जर गिरफ्तार हुआ है, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अतीक अहमद की दो और संपत्तियां कुर्क होंगी, डीएम ने आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है, कल से शुरू हो जाएगी कई जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया। उधमसिंह नगर के जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान को जान से मारने की धमकी, थाने में तहरीर दी, आरोपी की तलाश में जुटे पुलिस। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस से पहले माउंटेन टेरेन बाइकिंग रैली को फ्लैग ऑफ किया। वाराणसी में अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता मिली है, लाखों रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए गए। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है, पुलिस ने उसके साथी को पकड़ लिया है। लखनऊ में कोविड-19 के नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई हुई है, अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टायर फटने से हादसे का शिकार हुआ चार पहिया वाहन, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ग्रामीणों और पुलिस की टीम के बीच झड़प हुई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 8 साल के मासूम के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, मामा पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया। हाथरस में केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई, हादसे में टैंकर के ड्राइवर की भी मौत। ललितपुर के एक गांव में सांड घर की छत पर चढ़ गया था, कई घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बोरवेल में फंसा प्रहलाद जिंदगी की जंग हार गया, करीब 90 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम निकाला गया, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। सीएम शिवराज ने निवाड़ी की घटना पर दुख जाहिर किया, परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान, लोगों से बोरवेल खुला नहीं छोड़ने की अपील। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों पर सीएम शिवराज से सख्त, मिलावटखोरों के जड़ पर प्रहार करने का निर्देश। बैतूल में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसता जा रहा है, खाद्य तेल की पैकिंग में अनियमितता पर कार्रवाई, बिना बैच नंबर तारीख और एड्रेस के ही की जा रही पैकिंग। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के 4 साल पूरे हो चुके हैं, कांग्रेस विश्वासघात दिवस मना रही है। जयपुर में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी ने आत्महत्या कर ली, कमांडो अजीत ने फांसी लगाकर जान दी, 2015 बैच का कांस्टेबल है मृतक। पंजाब में 30 नवंबर तक कोरोना अपने पीक पर रहेगा, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने इसकी जानकारी दी। कैप्टन सरकार सुरक्षा की गारंटी ले, केंद्र सरकार मालगाड़ी चलाने को तैयार है, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का बयान। बीजेपी नेता सुरजीत जियाणी के बयान के बाद केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात का समय दिया। पंजाब में मालगाड़ियों के संचालन पर रोक, सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिलने पर भारतीय रेलवे का ऐलान। बल्लभगढ़ में निकिता के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, परिवार ने गवर्नमेंट कॉलेज का नाम निकिता तोमर के नाम पर रखने के लिए और भाई को सरकारी नौकरी, साथ साथ 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीपीई और पीटीआई अध्यापकों को योग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में रेल मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। सैनिक स्कूल में 6वीं और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 10 जनवरी को परीक्षा। रेलवे ने 8 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को कैंसिल कर दिया है, किसान आंदोलन और सुरक्षा को देखते हुए फैसला। दीपावली से पहले महिंद्रा का बड़ा प्लान, ऑन टाइम डिलीवरी के लिए थार भी 2 दिन के भीतर 500 यूनिट की डिलीवरी का फैसला। टाटा मोटर से उतारा हैरियर का नया अवतार, डार्क एडिशन के बाद कैमो वर्जन की कीमत 16,50,000 से शुरू। सेबी ने बनाई म्यूचुअल फंड की नई कैटेगरी फ्लैक्सी कैप, इस कैटेगरी में 65% निवेश इक्विटी में होगा। फूड डिलीवरी करने वाली जोमेटो का आईपीओ 2021 में आएगा, इससे पहले कंपनी 1100 करोड़ रुपए जुटाने में जुटी। धनतेरस और दीपावली पर कार कंपनियां ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट दे रही हैं, कार कंपनियां 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही हैं। कल खुलेगा ग्लैंड फार्मा का आईपीओ, कंपनी ने इश्यू का बेस प्राइस 1490 रुपए से 1500 रुपए रखा है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली बीच में छोड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जनवरी में पिता बनेंगे विराट। आईपीएल के फाइनल में पहुंचने के लिए आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी मुंबई के साथ फाइनल मुकाबला होगा। महिलाओं की आईपीएल वुमेन्स T20 चैलेंज में हरसिमरत कौर की सुपर नुवाज ने स्मृति मंदाना की टीम को 2 रन से हरा दिया है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 6 सालों तक वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बनकर पीट सैंपरास की बराबरी करते नजर आए। कमल हासन की नई फिल्म विक्रम का टीजर सामने आया, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन एक बार फिर एक साथ काम करेंगे। फिल्म मेडे में अमिताभ को डायरेक्ट करेंगे अजय देवगन। उतरे 3 बनाने की तैयारी में जुटे मेकर्स, फिल्म के स्टार कास्ट में कोई बदलाव नहीं। संयुक्त अरब अमीरात के इस्लामिक कानून में क्रांतिकारी बदलाव, बिना शादी के भी रह सकते हैं साथ, 21 साल से ज्यादा के लोगों को शराब पीने की इजाजत। सऊदी अरब को पाकिस्तान 2 अरब डॉलर का कर्ज लौटा सकता है, इमरान खान पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने में जुटे हैं।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हॉस्पिटल की छत पर बने हेलीपैड पर लैंडिंग के समय हादसा हुआ। आइवरी कोस्ट में चुनाव के बाद हंगामा हुआ है। सरकार के खिलाफ हंगामे के बाद विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के साथ उनके समर्थक गिरफ्तार किए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीयों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा, जैसे भगवान राम ने रावण पर विजय हासिल की थी, वैसे ही हम भी इस दीपावली पर कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। पार्किंग में खड़ी कारों से अनियंत्रित होकर एक कार टकरा गई। सड़क किनारे खड़ी कारों के परखच्चे उड़ गए। तने का आधा हिस्सा जैसे ही कटा, सीधा आकार सीढ़ी से टकराया। डांस करते समय होश न खोए, जब भी किसी को उठाने की कोशिश करें तो वजन का अंदाजा जरूर लगाएं। स्केटिंग करें तो जरा संभल कर रहिए, तस्वीरें देखिए। चीजों को सलीके से रखने की कोशिश कभी कभी नाकाम हो जाती है। कुछ हादसे दिल दहलाने वाले होते हैं। कार ने ट्रैक्टर में इतनी तेज टक्कर मारी कि ट्रैक्टर का अगला हिस्सा निकलकर दूर जा गया। होटल के रूम में पहुंचकर सबसे पहले बेड पर आराम करने का मन करता है, लेकिन बेड ऐसा हो तो हादसे भी हो सकते हैं। नन्हे बच्चे का कमाल का टैलेंट देखिए। चूहे ने बिल्ली को जमकर चकाया, बाद में चूहे ने बहादुरी दिखाते हुए बिल्ली का कान पकड़कर लटक गया।